नमस्कार छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि आपको ncvtmis.gov.in पर क्या करना होगा, अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी वेरीफाई करानी होगी। तो इसके लिए क्या करें, कैसे करें, पूरी स्टेप बाय स्टेप मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुने और वैसे ही आप उस प्रक्रिया को पूरा कर लें ताकि आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी वेरीफाई हो जाए और आपके सेशनल मार्क्स भी बोर्ड में जमा हो सके, डीजीटी बोर्ड में, और एग्ज़ाम फार्म और एग्ज़ाम लगकर आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाए। जो छात्र नहीं करा पाएंगे यह काम, मोबाइल नंबर और मेल आईडी वेरीफाई नहीं करा पाएंगे, उनका रिजल्ट रोका जा सकता है। इसकी जिम्मेवारी छात्र की खुद की होगी, यह आदेश दिया है डीजीटी बोर्ड ने अपने नोटिस में। तो देख लें पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि छात्रों आपको पता है कि ncvtmis पोर्टल पर ईमेल व मोबाइल नंबर वेरीफाई करना आवश्यक हो गया है। यूजर गाइड MIS पोर्टल पर ITI ट्रेनी वेरिफिकेशन यूजर मैनुअल उपलब्ध है। यह कैसे होगा तो आइए जानकारी लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यूजर मैनुअल ITI ट्रेनी वेरिफिकेशन। सबसे पहले आपको गूगल में डालना होगा www.ncvtmis.gov.in। जी हाँ, उसके बाद आपको जाना होगा ट्रेनी वाले ऑप्शन में, जहाँ आपको सेलेक्ट करना होगा सेकंड स्टेप लेते हुए ट्रेनी प्रोफाइल। ट्रेनी प्रोफाइल को सेलेक्ट करने के बाद तीसरा ऑप्शन आएगा आपके पास, एंटर द ट्रेनी डिटेल ऑफ ऑथेंटिक द ट्रेनी, रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर या गार्जियन नेम, डेट ऑफ बर्थ, एंटर इमेज टेक्स्ट। चार नंबर पे क्लिक द रिमेंबर मी चेक बॉक्स। पांच नंबर पे क्लिक ऑन सबमिट बटन। जी हाँ, इसके बाद आती है छह नंबर की बारी, वेरीफाई ट्रेनी हाइपरलिंक, जो कि कोने में आपको दिखाई देगा वेरीफाई ट्रेनी हाइपरलिंक, इसको वेरीफाई करना है। इसके बाद क्या होगा देखिए, आगे चलते हैं। सात नंबर वाले स्टेप पे आपको चेक द फॉलोइंग ट्रेनी डिटेल, आपको चेक करना है कि ट्रेनी का नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, फादर नेम सही है, मदर नेम सही है या नहीं है। गलत है तो भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा। इसके बाद अपडेट द अबाउ डिटेल ओनली वैन एनी मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, यदि आपको किसी में मॉडिफिकेशन करना है तो इसको अपडेट करें, नहीं तो इसको रहने दें। आठ नंबर पे आपको करना है एंटर द वैलिड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ऑफ ट्रेनी। जी हाँ, नोट क्या है, वेरीफाई द मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी बिफोर सबमिशन। पहले आप वेरीफाई कर लें, ए मोबाइल नंबर एंड ए ईमेल आईडी कैन बी यूज्ड टू वेरीफाई ओनली ए सिंगल ट्रेनी, यानी एक ट्रेनी के लिए एक अलग से ही मोबाइल नंबर और मेल आईडी होनी चाहिए। नौवे नंबर पे स्टेप पे हम लेंगे क्लिक द फॉर्मल डिक्लेरेशन चेकबॉक्स, और दसवें स्टेप पे हम करेंगे क्लिक द सबमिशन बटन। जी हाँ, इसके बाद जो हमारा OTP आएगा फोन में और ईमेल आईडी पे, उनको हमको भर के सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद हमारा हो जाएगा अप्रूवल। जी हाँ, और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो क्लिक द बैक बटन, एडिट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, चेंज द मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, क्लिक सबमिट ऑन सबमिट बटन। जी हाँ, अब OTP कितनी देर में आएगा, इन केस यू हैव नॉट रिसीव OTP विद इन 2 और 3 मिनट्स, क्लिक ऑन रीसेंड OTP लिंक। रीसेंड OTP लिंक टेक टी 30 सेकेंड टू गेट एक्टिवेट आफ्टर द फर्स्ट OTP सेंट बाई सिस्टम। रिसेंड ऑफ फंक्शनल कैन बी यूज ओनली 3 टाइम्स, इसको आप 3 बार यूज कर सकते हैं। तो छात्रों, इस तरह ITI एग्जाम नहीं लगेंगे अगर मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपने अपडेट नहीं किया MIS NCVT पोर्टल पर। जी हाँ, तो यह मैंने पूरा आपको किस तरह अपडेट करना है आपका मोबाइल नंबर बता दिया है। आशा है आपको पूरा पूरा समझ में आया होगा। यह आज की सबसे बड़ी खबर है, और ज़रूर अपने साथियों को बता दें कि ITI का एग्ज़ाम लगने से पहले आपके सेशनल मार्क्स जाते हैं, फार्म भरता है, यह प्रक्रिया भी संभवतः नहीं हो पाएगी अगर आपने ये मेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन नहीं किया। तो आज ही कर लें फिर,
यह प्रक्रिया पूरी ताकि आपकी एनसीवीटी आईटीआई की ट्रेनिंग में कोई तरह की रुकावट नहीं आए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और देवेंद्र सैनी यूट्यूब चैनल को कर ले सब्सक्राइब।